मलका रानी। ये डांस वाली सीढ़ियाँ ना आप लोग ना खरीदा करें, बड़ी बुरी बात होती होती है बेटा। तुम मेरा ध्यान देख के बोल रही है मैं। हाँ, क्योंकि जो लड़के डांस वाली सीढ़ियों पे कभी छापा मारे डांस की सीढ़ियाँ बरामद हुई है। चलवा दो वो केबलों वालों की भी मैं सीढ़ियाँ जब्त करवाना चाहती हूँ, लेकिन उसकी वजह से चौधरी साहब पट्टे गए थे, वरना चौधरी साहब अच्छे शरीफ इंसान। जी समरा की कराची से कॉल है, जाले कॉल ले रही है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है समरा? ये फोन कर लेना। हेलो समरा, देखो होल्ड पे रहते हैं, बंद नहीं कर देते, लेकिन कोई बात नहीं, लग जाती हो जाता है, लाइव शो है, लाइव शो में होती रहती है। नहीं नहीं, उसने किया तो होगा, इसके कहने पर उसने कहा होगा। नहीं नहीं, उनका फोकस आउट हो रहा होगा, आपकी सलाह लेके वो फोकस सही करने गए होंगे। शायद कोई बात नहीं समझा, दोबारा आप कॉल कर लीजिए, हमारा शो भी जाए। अच्छा जरा मुझे हैंडमाइक दे, क्योंकि अब मैं देख रही हूँ कि आंटी इस वक्त आ चुकी है, और हमारे जो दूसरे दूल्हा दुल्हन है, जो सेलिब्रिटी दूल्हा दुल्हन है, उमेर और सदक लगारी, इनकी मदर्स आ चुकी, तो आइए आइए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, आइए आइए, आपकी बेटी आपका इंतजार कर रही है, आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल चाल है? आज आप ऐसा करें कि आज तो अपने बेटे ही के बराबर बैठे, आज बहू को भूल जाए। वैसे अपना शाइस्ता इनको उधर बिठाना चाहिए था और इनको इधर बिठाना चाहिए। मैंने कहा आज वो मेहंदी शैली में कर लेंगे ना, आज वो तो मतलब 40 साल से उनके उसी के साथ ही। 40 साल से अगर तुमने अपनी एज लगा दी ना फिर मेरे से, मैं तो पकड़े कहता हूँ 36 का हूँ मैं तो नहीं शर्मा। तो मैं तुमसे 5 साल तो छोटा हूँ ना, मैं तुम्हें पता ही है। चलो खैर है, मैं तो कहती हूँ वजन की मशीन रख लो, जो भारी वही बड़ा। आजकल तो आगा भी बहुत आगा, जैसे दो निकल आएंगे। आराम से मना किया था ना, जोश में नहीं आईंदा ना लेके जाना अच्छी अच्छी जगहों पर। आंटी कैसे लग रहा है आज आपके आपके नहीं नहीं आपका बेटा ज्यादा अच्छा लग रहा है कि आपकी बहू? बहू ज्यादा अच्छी लग रही है। बहू लॉयल्टी कब बदली है? ये लॉयल्टी बदल गई, लॉयल्टी कार्ड नहीं था। बहू बहुत कैसी लग रही है? चले मेरा ख्याल है यहाँ भी पूछ लेते हैं। आंटी आपको ज्यादा अच्छा कौन लग रहा है? सच्ची सच्ची वाली हो रही है बात, दोनों अपनी बेटी के दामाद दोनों? ना ना ना, सच्ची वाली बात, एक का नाम लेना। दामाद बेटा जैसे वो बेचारी बोल ही नहीं रही ना, हालांकि बोलना चाहती है मेरी बेटी ज्यादा अच्छी लग रही है। ये भी अच्छी, वो भी, दोनों अच्छे हैं। अच्छा अच्छा, देखिए मुझे बताए कि आपके दामाद की सबसे अच्छी बात क्या? वो बहुत अच्छा दामाद है। नहीं नहीं, सबसे अच्छा दामाद तो अच्छा है, दामाद की सबसे अच्छी बात क्या? क्या खासियत है इसमें जो आपने आपको शुक्र अदा करती है कि देते है? बड़ों का बहुत, मेरा भी ससुर के भी दोनों का माँ बाप जैसे इज्जत कर रहे हैं। अच्छा, और बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। अरे जब इन दोनों का शादी हुई थी, जब रिश्ता आया था, तो ये आराम से मान गए थे सारे फड्डे शड्डे बीच में तो कोई नहीं हुए थे, आराम से दोनों जगह रिश्ता हो गया। दोनों को विलन चिलन आया था? नहीं नहीं, कोई आपको अंकल ने कहा था कुछ मसले हुए थे? नहीं कोई मसला नहीं। पहली दफा ही पसंद आ गया था आपको? पहली दफा पसंद आया, सलवार लेकर गया था, सलवार लेकर गया था, पहली बात हुई। और आंटी इसने जब आपको कहा था कि इसने कहा था या आपने खुद देखा था सदफ? मैंने कहा था। मैं बताऊँ एक चीज, सदफ का पहली दफा जब मेरे घर पे फोन आया तो अमीन होता है, तो सदफ ने फोन उठाते अम्मी से कहा अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं सदफ बात कर रही हूँ, मुझे उमेर से बात कर रही हूँ। अम्मी ने उसी वक्त फोन आवाज भी मुझे ऊपर था, आवाज देके बुलाया और फोन पे पकड़ाते हुए कहा था बेटा इस पे फंस गया तो। आंटी हेलो, मैं ऐसी क्या बात थी? मुझे आवाज, लड़कियों को बता देना जरा माइक तुम्हारे पास है, लड़कियों को बता देना किस तरह हेलो कहा था भाई। अम्मा को कह रही है कि बेटा फंस गए, ऐसी क्या बात थी? नहीं शायद तो उससे पहले किसी लड़की ने फोन करके अपनी से ये नहीं कहा था उमेर से बात करा देंगे, किसी की हिम्मत नहीं। उमेर भाई है घर पे? नहीं भाई नहीं, उमेर से बाकी सारी लड़कियां जो है ना वो ये कहती होंगी उमेर भाई से बात करा दो, आंटी कहती होंगी अच्छा चलो सही है। नहीं नहीं, फोन आंटी ने उठाया होना तो उन्होंने बंद कर दिया होगा डर के मारे। और कहते होंगे हाय हाय इसकी तो माँ ही फोन से दूर नहीं होती, हर वक्त तो उन्होंने है ना, तो कहती ये कहती होंगी
भाई तुमने फोन किया तो बात तो करो, बड़ी बदतमीज लड़कियां फोन करती हैं तो बात नहीं करती, तो दोनों तरफ से बगैर देखे जान चल रही होगी। अच्छा जब ताके के लिए लड़कियों के बात फोन आते थे आप क्या कहती थी? भाई काका तो नुची का पुत्र है ना, मेरी बेटी डोली की शादी होने लगी थी, लेकिन मैं तो विक्की के पीछे पीछे पहले सिख नहीं करके आ गया, मसा मार के उससे जान छुड़ाई हमने, तो अब मैं लगी हुई हूँ लैला के ऊपर, तो लैला मुझे बड़ी पसंद है, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे लंबे वाल, सोनी कुड़ी है। लैला फिल्म का वो कौन बच्चा फिल्म है आपकी? नहीं नहीं ऐसा मुझे लगा। नहीं नहीं माही लैला, हमारी लैला नहीं उसमें ड्रामे में, हमारी लैला वो उसकी अपना हमारी सिला की सहेली है, सिला की सहेली है लैला। लेकिन आपने मीरा को देखा? आप विक्की के लिए लड़कियां देख रही हैं तो टीवी पे भी तो देखे थे खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां, मीरा है तो बड़ी खूबसूरत लेकिन मेरे बेटे की फुफो लगती है, बड़ी है ना उससे, मेरा बच्चा छोटा था। चौधरी साहब की बहन? हाँ हाँ चौधरी साहब की बहन भी इतनी बड़ी है। तो मीरा और वो दोनों वहाँ पे पढ़ती होती थी लाहौर में, अच्छा, बल्कि उधर कहीं वजीराबाद में इकट्ठी पढ़ती होती थी, अच्छा, स्कूल जाती थी। अच्छा हाँ जी, तो आपने क्या मीरा को पहले नहीं देखा? नहीं मैंने देखा है, मुझे पता है कि वो उनकी मीरा जो है उधर फैसलाबाद के करीब उनका घर था, उनके पुप्पो का, तो वहाँ आते होते थे ना। अच्छा यहाँ भी देखे ना विक्की के लिए, यहाँ भी लड़कियाँ आपको बहुत पूरी पांचों दिन बड़ी सारी लड़कियाँ नजर आई। हाँ मैं आंख रख रही हूँ एक लड़की पे, अच्छी तो लग रही है, पता नहीं अभी इसको प्रोग्राम खत्म होगा तो इसको चला के देखूंगी मैं, तो चाल चलन देख के बात करती हूँ, चला चला अभी तो बैठी हुई है, जब चलेगी तो मैं देखूंगी चाल चलन कैसा है। जी श्रीराज कुछ कह रहे थे आप? नहीं नहीं मैं कहता हूँ ये भी तो है माशाल्लाह से कि खूबसूरत है, उसके ससमान इतना, तीन बच्चे कौन लेके जाएगा, बच्चों के कपड़े रख रख के बक्सों से हमारा घर ही भर देना, रहन दो अपने पास, इतने बिस्तरे इसके पास है, बर्तन है, पसीने, पता नहीं बच्चों का सामान, उसको स्कूल के बस्ते, इतने टब्बर वाली लड़की से कौन शादी करेगा? ना अपने भाई को सुघड़ बंदी है, बहुत अच्छी है। हाँ तो अगलों के घर तो आते मैं तो जिस घर में उसे भी तो जाके पूछो वहाँ पे है भी कि नहीं, उधर रहती नहीं इतनी रहती है हर वक्त, वो बेचारे तो कभी कभी किसी जगह मिलने आ जाते होंगे, मुझे नहीं चाहिए इतनी प्रोफेशनल, क्या कहना चाहिए, बस मैंने देखो मैं तो लड़कियों साफ बात करी, पावे ये हो तो पावे ये हो, मैंने दुकान पे बैठा देना कपड़ों पे से मक्खियाँ उड़ाने के लिए, बस सही है। हाँ सही है, तो इसके पास तो टाइम ही नहीं है मक्खियाँ उड़ाने का। कॉल लेते हैं जी, फैसलाबाद से कॉल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, पति आप कैसे हैं? ठीक ठाक, तो बहुत अच्छा जा रहे हैं। चले जी बहुत बहुत शुक्रिया, शादी मुबारक पाकिस्तान आपको भी। अब ऐसे में चले जीतने के लिए बड़े सारे प्राइजेस हैं। वो तो है लेकिन मैंने सिर्फ कॉल इसलिए क्योंकि मुश्रा आंटी यहाँ पे बैठे हैं, उनसे बात करने के सिर्फ कॉल। कौन मुश्रा आंटी? पता नहीं कौन मुश्रा आंटी, सलमा चौधरी। हाँ हाँ सलमा चौधरी कर रहे हैं वो फ्लावर एक्टर में, मैं क्या फैसलाबाद बोल रहे हो? हाँ जी जी, मेरे वास्ते लॉन का सूट ले लिया जी। अच्छा जी शुक्रिया। हाँ अगर टेक्सटाइल मिली है ना मेरे लिए अच्छा सा लॉन का सूट ले लेना। अच्छा ठीक है जी, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। बारिश तो नहीं पड़ी उधर? नहीं यहाँ पे तो हफ्ते पड़ा हुआ है। हाँ जब से कराची गई यहाँ पे हफ्ते पड़ा हुआ है। हाँ मैं तो इसीलिए तो मैं कराची आ गई, इधर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आजकल कराची का मौसम बड़ा खूबसूरत है। हाँ है ना, आप कराची का और अल्लाह करे कि जी 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 और खुदा करे कि ये बस जब तक शादी जारी है मौसम अच्छा ही रहे, शादी मौसम भी और बाकी मौसम भी। शादी तो सूखी सूखी अच्छी लगती है, गीली शादी में बंदा भीग जाता है, बस बादल रहे लेकिन बरसे ना। हाँ तो फैसलाबाद से बड़ा बिल बन गया होगा, जल्दी जल्दी बात करो। ब्रेक के बाद उन्हें हमने कह दिया खुदा हाफिज़। अच्छा ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपसे और बातचीत करते हैं और करते हैं अपनी ढोलकी शुरू।
थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और इस वक्त आलमगीर साहब का ये गाना हमने प्ले किया, तो मैं यहाँ ये बोलना चाहूंगी अमेरिका में वो उस वक्त मौजूद है, मेरी कुछ दिनों पहले भी उनसे बात हुई थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। जितने लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर बैठे देख रहे हैं, उनकी सेहत के लिए प्लीज दुआ करें कि वो जल्द से जल्द सेहत याब हो जाए। पाकिस्तान आने का उनको बहुत दोबारा मतलब शौक है कि मैं दोबारा जाके अपने लोगों से मिलूं, एंड स्पेशली वो ऐसे प्रोग्राम्स जब देखते हैं और उनका जिक्र होता है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने मुझे एक और मैसेज भी दिया था कि आप अपने प्रोग्राम में जरूर कहिएगा कि मेरी वेबसाइट पे जाके जो लोग कमेंट करना चाहते हैं जरूर करें, ताकि कहते हैं मुझे एक एनर्जी मिलती है जब मैं ये देखता हूँ और पढ़ता हूँ कि लोग मुझे अभी भी याद करते हैं, प्यार करते हैं। सामाजिक आलमगीर साहब आपको अच्छे लगते हैं? तो बहुत फैन उनकी आलमगीर, मुझे हमेशा बहुत अच्छे लगते होते थे और मेरी उनके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती थी। वो मुझे बंगाली सिखाते थे, मैं उनको पंजाबी सिखाती थी, लेकिन ये कि मुझे तो बंगाली नहीं आई तो उनको पंजाबी आ गई है। वैसे अल्लाह का ठीक होते आप सारे के सारे उनके लिए दुआ करें, माँ सबके जावे ने आलमगीर के गानों पे मरती मरती मरती। बस तो यहीं से हम शुरू करते हैं। ये है लड़के वालों की सारी टीम और ये है लड़की वालों की सारी टीम। सदक मेरा ख्याल है और नुसरत मेरा ख्याल है कि लड़कियों से शुरू किया जाए और दुल्हने हमारी गाय फिर हम। जी 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 जरूर। जाएगा लड़का तुम कमारा रहे जा के मानो हमारा डोली सजा के रखना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना ये तुझे वो गोरी आएगी तेरे सजना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया ऊपर से तुम लोगों ने तो डर डर के आवाज भी निकाली जेले होंदी।